गाइज, आज हम आपको वेंसकॉट यानी वॉल मोल्डिंग लगाने का एकदम परफेक्ट तरीका बताएंगे, तो वीडियो में बने रहिए और वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। हेलो माय व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत मज़े में होंगे। सो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एन अनदर सिग्निफिकेंट वीडियो। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं ना, वो टॉपिक आप सबसे रिलेटेड है। कहीं ना कहीं आप उस टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं, तो हम उसी टॉपिक पर आज बात करने वाले हैं। आपके घर का स्टाइल क्लासी हो, एंटीक हो या मॉडर्न हो, आपके घर की थीम ब्रिटिश हो, फ्रेंच हो या इंडियन हो, हर किसी घर में जो मटेरियल यूज़ हो रहा है, हर थीम में, हर स्टाइल में जो मटेरियल यूज़ हो रहा है, आज हम उसी मटेरियल की बात करेंगे। और वो मटेरियल कोई और नहीं, वो है वॉल मोल्डिंग्स। तो आज हम वॉल मोल्डिंग्स को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि आज हम इस वीडियो में क्या क्या कवर करने वाले हैं। वॉल मोल्डिंग्स क्या हैं, वॉल मोल्डिंग के डिज़ाइन टाइप क्या हैं, वॉल मोल्डिंग के मटेरियल टाइप क्या हैं, और वॉल मोल्डिंग्स और रेडी टू यूज़ मोल्डिंग में क्या डिफरेंस है। सो जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं, वो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर दीजिए फॉर सच इन्फॉर्मेटिव एंड इंटरेस्टिंग वीडियोज़। सो बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। विदाउट फर्दर अडू, लेट्स बिगिन द वीडियो। तो पहले जानते हैं कि वॉल मोल्डिंग्स क्या हैं। ये जो आप कुछ उभरा हुआ सा डिज़ाइन देख रहे हैं ना, ये दीवारों पर और ये बेड हेड के पीछे और ये बहुत सारी जगह मिल जाएगा आपको देखने के लिए, ये उभरा हुआ डिज़ाइन ही वॉल मोल्डिंग है। ठीक है, तो इसी कुछ अदर नेम्स ही भी जानते हैं, जैसे वॉल मोल्डिंग, वॉल ट्रिम्स, वेंसकोट। तो ये होता है आपका वॉल मोल्डिंग। ठीक है, अब बात करते हैं वॉल मोल्डिंग के डिज़ाइन टाइप क्या है। देखिए, वॉल मोल्डिंग हमें तीन तरह के डिज़ाइंस में देखने को मिलती है। नंबर एक होती है क्लासी या लग्जरी स्टाइल, नंबर दो होती है मॉडर्न लुक स्टाइल, और नंबर तीन होती है यूनिक स्टाइल। तो पहले इसलिए ये भी डिस्कस कर लेते हैं कि जो हमारी वुडन मोल्डिंग है, इसे हम कैसे फिक्स करते हैं, मतलब इसे दीवार पर कैसे लगाते हैं। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि ये रनिंग फीट में मिलती है और एक सर्टेन लेंथ की मिलती है, यानी कि ये 8 फीट लेंथ की मिलती है। ऐसा नहीं है कि हमें 2 फीट चाहिए या 3 फीट चाहिए। तो जब आप डिज़ाइन बनाएं तो ये भी ध्यान रखें कि उसमें वेस्टेज कितनी हो रही है। वेस्टेज कंसिडर करके ही अपना डिज़ाइन बनाएं, क्योंकि जितनी ज़्यादा वेस्टेज होगी आपकी कॉस्ट उतनी ज़्यादा बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो वीडियो में हम सबसे पहले देखेंगे मोल्डिंग इंस्टॉलेशन का फुल प्रोसेस। तो हमारी किसी भी टाइप की मोल्डिंग हो सकती है, वुडन हो सकती है, चारकोल हो सकती है, जिस तरह की भी मोल्डिंग आपको पसंद हो, POP तो नहीं, इसके अलावा आपको जो भी पसंद हो। तो सबसे पहले उसके कटिंग का प्रोसेस स्टार्ट कर लेंगे हम। ठीक है, तो इसे हमने 1 by 1 कटिंग करना है, कटिंग बड़ी केयरफुली करनी है। ठीक, प्रॉपर मार्किंग करते जाइए और साइड बाय साइड कटिंग करते जाइए। तो जब हमारी कटिंग कंप्लीट हो जाए, तो अभी से प्रॉपर एंगल में चेक करना ज़रूरी है। प्रॉपर एंगल में चेक करते जाइए और उसको ग्लू से पेस्ट करते जाइए। इसके बाद हम अपना नेलिंग प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। हम सभी कॉर्नर्स पर नेल्स फिट कर लेंगे 1 by 1 करके, एक एक करके सभी पे हमें नेल लगा देनी है। और इस तरह से हमें अपने सारे ब्लॉक्स रेडी कर लेने हैं, जो भी हमारा डिज़ाइन है, पैटर्न है, उसके अकॉर्डिंग सभी ब्लॉक्स रेडी कर लेने हैं। ठीक है,
इस तरह से हमारा ये डिज़ाइन रेडी हो गया है। सभी मोल्डिंग्स को लगाने का यही प्रोसेस है। समझते हैं कि इन तीनों में क्या फ़र्क है। तो पहले बात करते हैं क्लासिक और लग्जरी डिज़ाइन की। इसमें क्या होता है कि जो आपकी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मोल्डिंग होती है ना, उनके जो कॉर्नर जॉइंट होते हैं, उस कॉर्नर पर कुछ नक्काशी, कुछ वुडन कार्विंग वर्क होता है। सो बेसिकली इनके कॉर्नर जॉइंट प्लेन नहीं होते हैं, उन पर कुछ वुडन कार्विंग वर्क हुआ होता है या फिर कुछ नक्काशी की हुई होती है। तो आपने देखा होगा जो बड़े महल टाइप के घर होते हैं, लग्जरी होटल्स होते हैं, आपने राजस्थानी वर्क कुछ देखा होगा। तो जितने भी ये इस टाइप का वर्क होता है ना, ये लग्जरी और क्लासिक डिज़ाइन कहलाता है। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम मॉडर्न लुक के बारे में। मॉडर्न लुक में जो हमारे वॉल ट्रिम्स होते हैं ना, तो बेसिकली एक हॉरिजॉन्टल वॉल ट्रिम होता है, एक वर्टिकल वॉल ट्रिम होता है, और ये दोनों आपस में 90 डिग्री के एंगल पे कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, तो जितना भी इस टाइप का पैटर्न होता है कि वो 90 डिग्री पे आपस में कनेक्टेड होता है, वो सब मॉडर्न लुक में कंसिडर किया जाता है। आई होप कि आपको सब समझ में आ रहा होगा। तो थर्ड नंबर पे आता है हमारा यूनिक डिज़ाइन। अब यूनिक डिज़ाइन क्या होता है, इसमें जो हमारे वॉल ट्रिम्स होते हैं, वॉल मोल्डिंग्स होती है ना, वो आपस में 90 डिग्री पे कनेक्टेड नहीं होते हैं, बल्कि किसी डिफरेंट एंगल पे कनेक्टेड होते हैं। आप ये डिज़ाइन देखिए, इसमें जितने भी वॉल मोल्डिंग्स हैं, चाहे वो 60 डिग्री के एंगल पे हों, 45 डिग्री के एंगल पे हों, या किसी भी आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग किसी भी पर्टिकुलर एंगल पे हो सकते हैं, बस 90 डिग्री पर नहीं होते हैं। तो ये वाला जो डिज़ाइन है हमारा ना, ये यूनिक डिज़ाइन कहलाता है। आई होप अब आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि हमारे जो जो डिज़ाइन होते हैं वो क्या होते हैं। क्या तो अब जिन लोगों को लग्जरी और क्लासिक स्टाइल चाहिए, उनको वो कार्विंग वाला, वो नक्काशी वाला पैटर्न चूज़ करना चाहिए। जिन लोगों को मॉडर्न स्टाइल चाहिए, उनको वो 90 डिग्री वाला पैटर्न चूज़ करना चाहिए। और जिन लोगों को वो यूनिक स्टाइल चाहिए ना, उन लोगों को वो एक पर्टिकुलर एंगल वाला पैटर्न चूज़ करना चाहिए। ठीक है, तो आई होप कि मैंने जितना आपको एक्सप्लेन किया है, उसके बेसिस में आपको ये क्लियर हो गया होगा कि कौन कौन से टाइप के डिज़ाइन होते हैं, कौन से डिज़ाइन का क्या मतलब होता है, और आपको अगर कोई स्टाइल चाहिए तो आपको कौन सा पैटर्न चूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर ये सारा कन्फ्यूजन जितना भी है आपका ख़त्म हो गया हो और वीडियो आपको समझ में आ रही हो, तो एक लाइक तो बनता है। तो आप मेरी वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, तब तक हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि वॉल मोल्डिंग के मटीरियल टाइप क्या हैं। हम POP, वुड और चारकोल। चारकोल को हम सबसे लास्ट में डिस्कस करेंगे, तो पहले बात करते हैं POP की। वेल, POP को मैं बिल्कुल रेकमेंड नहीं करूंगी आपको ये, क्योंकि अब ट्रेंडी नहीं है ये, अब नहीं चलती है ये, पहले चलती थी। इसके पीछे रीज़न ये है कि जो वॉल मोल्डिंग हमारी POP में बनती है ना, वो एक तो उसमें क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं, सेकेंडली क्या होता है, आपका कोई फर्नीचर इधर से उधर मूव करवा रहे हैं या किसी बच्चे ने हिट कर दिया, क्योंकि घर है, डेली बेसिस पे एक्टिविटीज़ होती हैं, तो वो वहीं से टूट जाएगी और उसे रिपेयर करवाना सच ए चैलेंजिंग जॉब। ठीक है, तो जब मार्केट में लेटेस्ट हर चीज़ में ऑप्शंस अवेलेबल हैं, तो हम वही ओल्ड टाइप की चीज़ें क्यों यूज़ करें, राइट, जिसमें पैसा भी लगेगा, घर गंदा भी होगा और टाइम कंज्यूमिंग भी है। ठीक है, तो सो ए बिग नो फॉर POP। सो अब बात करते हैं हम वुड की। जो हमारी वुडन मोल्डिंग होती है या वुड की जो हमारे वॉल ट्रिम्स होते हैं, ये भी, इनमें भी हमारे पास तीन ऑप्शंस हैं, सॉलिड वुड, MDF और HDMR। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं सॉलिड वुड की। तो अगर आपका बजट कम है और आप एक रीज़नेबल ऑप्शन सर्च कर रहे हैं, तो सॉलिड वुड आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन है, आप सॉलिड वुड के लिए जा सकते हैं। मार्केट में सॉलिड वुड के भी बहुत ऑप्शंस हैं। ठीक है, बहुत बहुत सारी तरह की लकड़ियां अवेलेबल हैं जिनकी आपको मोल्डिंग्स मिल जाएंगी। तो मैं आपके लिए वो सारा लिस्ट तो नहीं दे सकती, लेकिन मैं आपको वो तीन मेनली वुड बता सकती हूँ जो आप चूज़ कर सकते हैं, जो आपके लिए सॉलिड होने के साथ साथ उन पर वेदर इम्पैक्ट भी नहीं आता, डिज़ाइन भी, फिनिश भी हमारी अच्छी निकल के आ जाती है, डिज़ाइन वाइज फिनिश वाइज भी अच्छे निकल के आते हैं। सो आप किसी भी वेदर कंडीशन में रहते हो ना, ये दीवार छोड़ेंगे और ना ही इनमें क्रैक डेवलप होगा। ठीक है, तो ये आप वुड नोट कर लीजिए। नंबर एक है चाप, नंबर दो है आपकी साल और नंबर तीन है टीक। इनमें से आप किसी भी वुड पर जा सकते हैं।
तो अब बात करते हैं हम MDF की। अगर आपका बजट थोड़ा अच्छा है तो फिर आप वुडन सॉलिड वुड की जगह आप MDF की मोल्डिंग पे जाइए, क्योंकि इसका इसमें डिज़ाइंस भी बहुत ज़्यादा हैं, इसकी फिनिश भी बहुत अच्छी होती है। और अगर आप स्पेशली वो लग्जरी वो नक्काशी वाला वो कार्विंग वाला पैटर्न सर्च कर रहे हैं ना, तो वो आपको सॉलिड वुड में रेयर ही डिज़ाइन मिलते हैं, और मिलेंगे भी तो एक दो ही मिलेंगे। वो डिज़ाइन आपको ज़्यादा MDF में ही देखने को मिलेंगे, ठीक है? तो फिर आप वो MDF में ही जाइए, सॉलिड वुड में मत जाइए। लेकिन इसमें भी एक रेस्ट्रिक्शन है कि अगर आप किसी कोस्टल एरिया में रहते हैं, कोस्टल एरिया मतलब जहाँ पे बारिश बहुत होती है, तो फिर आप वहाँ पर MDF मत लगाइएगा, क्योंकि MDF बारिश से फूल जाएगा, डैम्पनेस से सीलन से फूल जाएगा, तो इसलिए वो वेस्ट हो जाएगा। तो आप MDF के लिए पॉइंट ध्यान में रखें। तो अब बात करते हैं हम HDHMR की। वेल HDHMR में हमारे पास कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, इसमें डिज़ाइंस भी बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं, इसकी फिनिशिंग भी बहुत अच्छी आती है। अगर आप वो कार्विंग वाला नक्काशी वाला पैटर्न देख रहे हैं, वो भी इसमें खूब मिल जाता है आपको। और आप किसी भी वेदर कंडीशन में हो, इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, क्योंकि ये वाटर प्रूफ, टर्माइट प्रूफ, हीट प्रूफ, मॉइस्ट प्रूफ होता है, तो इसमें किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप कोस्टल एरिया में रहें, प्लेन में रहें, आप इसे बिल्कुल ईजीली और यूज़ कर सकते हैं। तो मैं आपको एक थोड़ा सा आइडिया कॉस्ट का भी दे देती हूँ। सॉलिड वुड हमारा अप्रॉक्स 10 से 35 या 40 रुपये पर रनिंग फीट कॉस्ट करता है। वेल MDF हमारा अप्रॉक्स 40 से लेके 65 या 70 रुपये पर रनिंग फीट कॉस्ट करता है, और HDHMR हमारा 50 या 60 रुपये से लेके 150, 160, 140 तक भी कॉस्ट करता है, ठीक है? तो ये एक मैंने रनिंग फीट की आपसे बात की है, स्क्वायर फीट की बात नहीं की है, तो ताकि आपको आइडिया रहे कॉस्ट वाइज भी, डिज़ाइन वाइज भी, जब आप यूज़ करें और आप इजीली सिलेक्शन कर पाएँ। ओके, तो अब हम बताती हूँ कि अब आपने अपने घर को फिनिश भी करवा लिया है, पेंट भी करवा लिया है, और अब आप वॉल मोल्डिंग यूज़ करना चाहते हैं, और आप ये भी बिल्कुल नहीं चाहते कि अब आपका घर गंदा हो या आपको रीपेंट कराना पड़े। तो फिर जो हमारे पास तीसरा ऑप्शन है ना, वो है हमारे पास चारकोल मोल्डिंग। चारकोल मोल्डिंग को हम इसलिए रेडी टू यूज़ मोल्डिंग भी कहते हैं, क्योंकि इससे किसी भी तरह की फिनिशिंग डिस्टर्ब नहीं होती है। आप इसे लाइए और लगा लीजिए। जो हमारी ये चारकोल मोल्डिंग होती है ना, ये PVC बेस्ड होती है, तो क्योंकि ये पॉलीमर बेस हमारी मोल्डिंग है, तो इसलिए वाटर प्रूफ, टर्माइट प्रूफ होती है। आप इसे इंटीरियर में कहीं भी, सीलिंग पर, वॉल पर, डोर के अराउंड, बेड हेड के अराउंड, स्कर्टिंग के ऊपर, किसी भी फर्नीचर में आप इसको इजीली यूज़ कर सकते हैं। इसमें भी आपको वुडन मोल्डिंग की तरह सारी ही थिकनेसेस मिल जाती हैं, तो ये 22 mm से लेके 50 mm तक की थिकनेस आपको इजीली मिल जाएगी। फिर जैसे जैसे थिकनेस चेंज होगी, वैसे वैसे इसके रेट भी वेरी करेंगे, ठीक है? अच्छा, इसमें भी आपको सारे डिज़ाइन मिल जाते हैं, हाफ राउंड, फुल राउंड, फुल मोल्ड, साथ डिज़ाइन भी मिल जाते हैं, और कलर भी आपको इजीली मिल जाते हैं, तो आप कोई सा भी कलर चूज़ कर सकते हैं। तो जो कलर आपके वॉल पेंट के साथ जाता हो आप वो ले सकते हैं, या जो कलर आपकी टाइल के साथ मैच करता हो आप वो ले सकते हैं। और अगर आपको कोई भी कलर समझ में नहीं आ रहा है तो डोंट वरी, आप वाइट कलर ले लीजिए। वाइट कलर हमेशा इन है, वो सब चीज़ों के साथ, हर कलर के साथ जाता है, ठीक है? तो ये हुई बात कलर की। तो आई होप कि अभी तक की जितनी इन्फॉर्मेशन मैंने शेयर की है आप लोगों से, उसके बेसिस पे आपको ये बहुत अच्छे से पता चल गया होगा कि कौन कौन से डिज़ाइन की मोल्डिंग आती हैं, कौन कौन से डिज़ाइन को क्या कहते हैं, और आपको कौन सा पैटर्न और कौन सी मोल्डिंग चूज़ करनी है, और उसके लिए क्या क्या मटेरियल आपके पास में अवेलेबल हैं, ठीक है? आई होप कि सारा कन्फ्यूजन इससे बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।